स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, यूजीसी की गाइडलाइन फॉलो करो जानते हैं इनको। यूजीसी गाइडलाइन है कि सिर्फ लास्ट ईयर के एग्जाम लिए जा सकते हैं अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में, और उसके अलावा बाकी सारे सेमेस्टर्स के एग्जाम ऑनलाइन लिए जाएंगे। लेकिन अभी अभी हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम तो ऑफलाइन हुए ही हुए हैं, उसके 20 दिन बाद ही ये लोग हमें कह रहे हैं कि आप सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम भी ऑफलाइन देने आइए। तो हम चाहते हैं कि या तो हमारे वो एग्ज़ाम ऑनलाइन लिए जाए, या फिर हमें नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए, जैसे कि सारे कॉलेज के बच्चों को किया जा रहा है। तो आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? हम गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी, चौधरी देवीलाल और ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तीनों कॉलेज के बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं। कुल मिलाकर कितने से हैं? हम 4 कॉलेज के बच्चे इस टाइम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और हर क्लास में 60 बच्चे हैं इस टाइम, और कुछ बच्चे आ नहीं पाए क्योंकि वो दूर अप्रॉक्सी हो रहा है कि इनके 6 सेमेस्टर के पेपर पहले ऑनलाइन ले लिए गए हैं। अब ऑनलाइन लेने के बाद आपने ये कहीं सुना है कि 2 बार पेपर हो एक ही सेमेस्टर के? इनके पेपर पहले ऑनलाइन ले लिए गए हैं, अब इनको बोला जा रहा है कि ऑनलाइन आपके पेपर हो गए, अब आप दोबारा आकर इंस्टीट्यूट में पेपर दो। एक बार ले चुके, यूजीसी की जो गाइडलाइंस है कि 8 सेमेस्टर अगर होते हैं उससे पहले के जितने भी बच्चे हैं उनको इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनको अगली सेमेस्टर में प्रमोट करना है, उसकी शरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये हमारे शहर में तो एजुकेशन मिनिस्टर कंवरपाल गुज्जर जी हमारे शहर के हैं, तो उनको भी हम ये मांग करना चाहते हैं, आपके शहर के बच्चे हैं, इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं, और यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं उनकी धज्जियां उड़ रही हैं। तो कम से कम आप देख सकते हैं, मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। इस समय मैं ना मैं 6th सेम में हूँ, ना मैं 7th सेम में हूँ, ना मैं 5th सेम में हूँ। हमें कुछ नहीं पता कि हम कौन सी ईयर में हैं, कौन सी ईयर की पढ़ाई करें और कौन सी ईयर में जाएं। समस्या ऐसी है कि हमारी यूनिवर्सिटी कभी तय समय के अनुसार कभी भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करवाती, हमेशा जो सेमेस्टर है हमारा 1 से 2 महीना लेट होता ही होता है। हुआ यूँ कि 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हमारे जनवरी में होने थे, वो जनवरी में ना होके मार्च में होने चाहिए। मार्च में जिस दिन एग्ज़ाम था उससे 1 दिन पहले हमें नोटिस आता है कि कल से आपका एग्ज़ाम नहीं होना है। उसके बाद लॉकडाउन लग जाता है, लॉकडाउन के कारण वो एग्ज़ाम हो नहीं पाते हैं। तो अब 1 साल बाद हमारे अगस्त में 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए गए, और जो हमारा 6th सेमेस्टर था ना उसकी हमने पढ़ाई ऑनलाइन की 2 महीना। वो सबको पता है कि ऑनलाइन पढ़ाई में क्या होता है, किस तरह से तैयारी हुई। हमारे पास ना कोई नोट्स थे ना कुछ थे, और यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें 2 लेटर्स मिले हैं जिनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको जो इंटरनल असेसमेंट के बेस पे अगले सेम में प्रमोट कर दिया जाएगा 7th सेम में, और ये नोटिस हमने अंदर सबमिट कर दिए हैं। और अब 1 तारीख को जो हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंट्रोल ऑफिसर्स के लोग हैं उन्होंने हमारी डेट शीट निकाल दी है 29 सितंबर से। अब कल हमारे 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम खत्म हुए हैं, तो अभी प्रैक्टिकल्स बचे हैं, तो हम 15 से 20 दिन के अंदर 1-6 महीने का सेमेस्टर पूरा तैयार करके उसको हम 29 सितंबर से कैसे पेपर दे सकते हैं। और एक समस्या और भी है, अगर इस दौरान कोई भी बच्चा किसी भी एग्ज़ाम में अगर फेल हो जाता है तो उसको 7th सेम में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ऐसे 20 दिन में तो सभी पढ़ के पास हो भी नहीं सकते, ठीक है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो बच्चा वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएगा उसका तो अगला साल भी गया, और उस पर से हमारा कॉलेज वाले हमारे से जो हमारा 7th सेमेस्टर है उसकी फीस भी ले चुके हैं, जबकि अब हम तो अभी तक 7th सेमेस्टर में आए ही नहीं। तो आज आप जिला उपायुक्त से मिले, क्या आश्वासन दिया गया? इन्होंने आश्वासन दिया कि जो हमारी जो हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे इन्होंने बात की है, और ये कल तक उनसे बात करके हमें बताएंगे कि इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। कल हमें फिर आकर इनसे मिलना है। मंत्री से एजुकेशन मिनिस्टर, हाँ जी, हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, और हमारी यूनिवर्सिटी है पंडित पी डी शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक, और हमारा सभी छात्रों से निवेदन है कि वो भी अपने अपने स्तर पर आवाज़ उठाएं, और जो ये यूनिवर्सिटी की जो लापरवाही है इसके ऊपर सबकी नज़र जाए और वो सही से काम करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले टाइम में किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि इस समय मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है हमारे सभी स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि 1 महीने में 2 बार एग्ज़ाम्स कैसे दे सकते हैं, वो भी 6 महीने के उसमें। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर अराउंड 43 to 46 कॉलेजेस एफिलेटेड हैं, और एक कॉलेज में एक सेमेस्टर के लगा लो 60 से 50 बच्चे होते हैं, तो मतलब काफ़ी हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं, मतलब पूरे हरियाणा का भविष्य है जितने भी फार्मेसी के।
एग्जाम आपके एक बार ऑनलाइन भी हो चुके हैं। एग्जाम से हमें यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस आई थी कि जो सिक्स सेमेस्टर है ना वो हमें ऑनलाइन जो इंटरनल असेसमेंट देंगे ना कॉलेज उसके बेस पे प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम तो हमने दे दिए, चलो हमने पढ़ा हुआ था एक साल से, हमारे पास बुक्स हैं ना, हमारी ढंग से क्लासेज लगी हैं, किसी ना ऑनलाइन क्लासेज लगी हैं, हमें सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ अच्छी तरह से नॉलेज भी नहीं है, तो हम इस समय कैसे पढ़ें कैसे परीक्षा दें।